मैंने जाकर पुष्पांजलि दिया है, भाव की सुंदर प्रार्थना है, राधा जी के चरणों में प्रार्थना है। उसमें पहला श्लोक है राधा जी के रूप कृपा इत्यादि का वर्णन करते हुए उनका रूप वर्णन करते हुए उन्होंने कहा राधा जी परम सुंदरी और मधुर है। उनके सिर से जो बेड़ी नीचे टूटती है वो कैसी है, बेड़ी प्यालन का नाम है। जिस प्रकार से काली नागरी का फल वो इतर से करती है, वो नीचे से टूट करके कमर के पास में इस प्रकार से नागरी के समान समापन की ने कहा महाराज ये सब पत्ते को बहुत अच्छा होगा, किंतु तुमने ये मानी थी राधा जी परम मधुर है सुंदर और उनकी उपमा मेरी उपमा तुमने नागिन से काली नागिन पीस वाली से किया, ये ठीक है। तो मैंने कहा ये आप सुधार कर दीजिए, अच्छा मैं देखूंगा। सोचने देने की क्या होगा, क्या उपमा दूं उस मेरी की। सोचते सोचते कुछ समझ नहीं पाए, फिर वहीं से वो चले और फिर यहाँ से परिक्रमा मार्ग है आकर के कोने में पहुंचे, जहाँ से वो गोवर्धन की तरफ में चलते हैं वे कोने पर आए तो सामने देखा कदमपुखी का पेड़ है, उसमें दूधा लगा हुआ है और उसमें गांव की किशोरियां झूल रही है। उनमें से एक जो परम सुंदरी है उसको दूल्हा पर बैठाया है और आठ दस बीस सखियां उनको झुला और उन्होंने देखा कि किशोरी जो झूल रही है उसके सिर से नीचे एक सफेद काली नागिन इस प्रकार सुखकार रही है। का अंतिम भाग काली नागिन चढ़ाई अभी काटेगी, तो ये कहता के दौड़े लाली लाली कहकर जब कुछ निकट में पहुंचे तो बीच में जो सखी जो झूल रही थी उसने इनके तरफ में मुस्कुरा दिया और फिर अंतर्ध्यान हो गए, कदम का पीड़ रहा किंतु झूला नहीं था, सखिया नहीं थी, कुछ नहीं था। सनातन को सामने ये क्या बात हुई, ओ नहीं समझ में आया। प्रसादी ने जो उपमा दिया काली नागिन का उसको शब्द देखना नहीं कि ये श्रीमती राधिका नहीं झूल रही और उनकी बेटी ऐसे ही, तो उसने जो लिखा है प्रकाश ठीक लिखा है उसमें सुधार करने की कोई उम्मीद है। लौट करके गए रूप को चाहिए बुखार दिखाई थी, तुम्हारा लिखना परम शब्द है, तुमने जो काली नागिन की भुजंगनी की जो तुमने उपमा दी वो पूरी थी, उसको दिखलाने के लिए मैं जा रहा था, राधा जी ने झूले पर झूल करके और दिखलाया, मैं दौड़ करके उनके पास गया, नागिन झूल रही है और इतने में वो अदृश्य हो गए। जो लिखा इस प्रकार से रूप को चाहिए नहीं देख, इस तरह से हमारे कृष्णदास गोस्वामी ने गोविंद लीला रूप में और श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने कृष्ण भावना रूप में कभी कर्णपुर में वृंदावन चंपू में श्री रजीव गोस्वामी ने गोपाल चंपू इत्यादि ग्रंथों में इसका बहुत भीषण वर्णन किया है। इसलिए ऐसा लिखा है कि
जन्म कृष्ण के जन्म के दिन में जन्म उत्सव का झूलन के समय में झूला झुलाए, प्रतिपूर्वक उनके विधाओं का पालन करें, ये भक्ति का है। इसलिए हम लोग भी यहाँ या सारे परिमंडल में ब्रज में ये झूला श्रावण के पहले से आरंभ करके पूर्णिमा तक ये चलता है। हमारे यहाँ का केवल पांच दिन एकादशी आज है और पूर्णिमा, किंतु ब्रज में सर्वत्र यहाँ पर कौन राधा बंद बिहारी है, बल्लभ जी है, राधा रमण है और सब संख्या में द्वारका जी है, वहां पर किसी प्रकार से शाम हुई है। काली घटा श्याम घटा और क्या शुक्ल घटा होती है, तो ये सब घटाएं होती हैं और उसमें जो ज्ञान द्वार इसी समय में वृंदावन में कई चीज होती है और सर्वत्र राष्ट्रीला भी होती है और जीवन का महत्व। हम लोगों का झूला वृंदावन में एक प्रधान झूला, ऐसा झूला कभी वृंदावन में नहीं करा, भले ही सोने का बने और चांदी का बने, दुनिया का झूला देखने के लिए सब जगह से लोग आते हैं। और कल सवेरे सवेरे हम लोग जाएंगे रूप प्रसाद की समाधि में, कै बजे जाए, छ बजे तो छ बजे हम लोग राधा का मंदिर में रूप प्रसाद वहां जाएंगे, उसकी आरती उतारेंगे और उनको माला इत्यादि अर्पण करेंगे और उसके बाद यहाँ आएंगे। यहाँ पर 10 बजे से 12 बजे तक रूप गोस्वामी के संबंध में हम लोग कुछ बोलेंगे और फिर भोग आरती होगी और रूप गोस्वामी का दिवस महोत्सव होगा। आप लोग सभी लोग आएंगे तो पार्टी यही लोग प्रसाद होगा और शाम को यही पर ब्रज के बड़े बड़े विद्वान भक्त लोग आएंगे और कल से लेकर के तीन दिन तक ये रूप आचार्य के वैशिष्ट्यों पर विभिन्न विभिन्न विद्वान लोग बोले, उसमें सब लोग आप उपस्थित तो कल में प्रसाद पानी के लिए भी जरूरत है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे। चलो री कदम कल काम धाम करी, चलो री कदम कल काम धाम करी, चलो री कदम कल Yeah.
Thank you.
Please be seated. Now, Damodar will translate to the class in English. Hare Krishna. गुरुवे Some honey guitar here, also describing the glories of Shiva Kumaswami.
Then of course, tonight, tomorrow night, and the following night, for 3 nights, there will be one Kiddi, Sabha here, one assembly. And all the learned scholars of Brazil will come here from what time? 5 o'clock until 8:30. 5:30 to 7:30. Also, you may wish to know there is English. The same thing is happening in English, and helping out for lunch from 9 to 12, also for 3 days. So, Thank you.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, 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 Sound ashram. Ashram Maharaj. Hare Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama. Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Ram, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vedanga.
हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे जय रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी जय श्री रूप गोस्वामी प्रभु श्री रूप गोस्वामी श्री रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी जय रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी प्रभु प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे आयु प्रमाणे हरि प्रेम श्री रूप गोस्वामी पाद की जय समवेत गौर भक्त वृंद की जय आयु प्रमाणे हरि हरि बोलो हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम हरे राम रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु श्री रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु 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 श्री रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी रूप गोस्वामी प्रभु रूप गोस्वामी प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा आशे मरा
गोसावतारी
Thank you.
हरिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं गीतभूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति च पदं हम का बड़ा सौभाग्य है इस वृंदावन में सेवा कुंज में श्री लरूप गोस्वामी की भजन स्थली और समाधि स्थली हम लोग आए हुए हैं। ये रूप गोस्वामी कौन है? ये कह रहे हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन। श्री चैतन्य महाप्रभु के अंतर में जो भावना थी, जो चाहते थे, जिसके लिए वे आविर्भूत हुए थे, उन्होंने स्थापन किया। और वो क्या था स्थापन? दो विषय था। एक तो चैतन्य महाप्रभु आए थे राधा भाव शांति दूत सुबलित लेकर के राधा जी के प्रणय भाव को आस्वादन करने। दूसरा उनके जिया माधुरी रूप माधुरी गुण माधुरी बेरी माधुरी का आस्वादन करने और आस्वादन करके कैसा सुख होता है इसको देने समझने अनुभव करने। यह चीजें दी नहीं जा सकता, जीव को नहीं दी जा सकता। चैतन्य महाप्रभु रसिक शेखर कृष्ण परम करुण बड़े करुण है, जीवों पर दया करने के लिए जो एक कल्प तक जिस प्रेम को नहीं दिया गया था उस प्रेम को देने के लिए आविर्भूत हुए। वो प्रेम क्या था? राग मार्ग लोके करते प्रश्न। राग मार्ग कौन सा? समर्पयितुं उन्नत उज्ज्वल रसां स्वभक्ति श्रियं। उन्नत उज्ज्वल इसको देने के लिए, उन्नत उज्ज्वल क्या भाव है? परकीय भाव है। विशेष करके वह भाव स्वभक्ति श्रियं। स्व माने राधिका, राधिका के जो भाव है मदाना इत्यादि उसको नहीं दे सकते, किंतु उसका जो श्री है, श्री माने शोभा, उसको देने के लिए आए। श्रीमती राधिका जी भक्ति कल्प लता है, सखिया पत्ते और मंजरी इत्यादि जो सखिया है उनकी मंजरियां है। जिस प्रकार से एक लता में यदि पुष्प और पत्ते ना हो उसकी कोई शोभा नहीं, और विशेष करके मंजरी यदि हवा के झोंकों में इधर भी पूर्ण शोभा है। इसलिए रूप मंजरी इत्यादि असंकोचिता भूमिका, जहां पर ललिता विशाखा जाने में संकोच करती है वहां पर रूप प्रति इत्यादि मंजरिया अनायास ही चली जाती है। यहाँ पर राधा कृष्ण नभित निकुंज में सेवा कर रहे हैं तो वहां पर भी इनका अधिकार है, चली जाती है। ये रूप मंजरी का भाव देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आए जीवों को। ललिता विशाखा के भाव नहीं दिया जा सकता जीवों को, जीवों का अधिकार है मंजरियों के भाव। अर्थात राधा जी का दास्य भाव जो रूप मंजरी इत्यादि करते हैं करती है उसी को देने के लिए हुआ है। ये उनकी बहुत विशेषता है। विशेष करके स्वरूप गोस्वामी ने महाप्रभु का अभीष्ट जो उन्नत उज्ज्वल भाव है परकीय भाव ये लोगों में